अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी जा रही है कि अभी आप जो देख रहे हैं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह जो है मदीना कम्प्लेक्स जो है मदीना टू, जो ताजुश शरिया रेसिडेंसी के बगल में है और ग्रीन वैली के सामने है, जहाँ पर अक्सर मंडप में शादियाँ वगैरह होती थी, उसी के बगल में जस्ट यहाँ मस्जिद का तामीर का काम शुरू होने वाला है। और इंशाल्लाह ताला जो है रमज़ान में जो तरावी होने वाली है, इंशाल्लाह तरावी जो है यहीं पर होगी। ये हमारे नसीम भाई हैं, जो तकरीबन यहाँ की जितनी भी मस्जिदें होती हैं उस मस्जिद के कार्य खैर में सबसे आगे रहते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और लोगों से हिस्सा भी दिलाते हैं और हर काम ही नहीं होता है। मैं नसीम भाई से हम बात करते हैं, ठीक है नसीम भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, यहाँ पर जो तामीर है क्या होने वाला है? ये हम लोग ने ज़मीन जो है अभी तय करी है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम चालू हो चुका है। ये बड़ी मस्जिद बनने जा रही है और लगभग ये 83x59 की जगह है। ये अपने पूरा 4800 स्क्वायर फुट है और हम लोग ने ये स्कीम लगाई कि एक फुट का 1500 रुपया रखा गया है और ये मस्जिद अब पहला तरावी से स्टार्ट होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जलसा भी रखा गया जुम्मा के दिन और काफ़ी चीज़ होगी इंशाल्लाह। जलसा है, खाना है, सब रख दिया गया है और सबसे गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 1500 रुपया खुद रखा गया है, आप सब अपने माँ बाप के नाम पे तो जितने भी नेकियाँ कमा सकते कमा लें, क्योंकि यही काम आएगा इंशाल्लाह। जी, जुमा के दिन यहाँ प्रोग्राम कब रखा गया है? जुमा के दिन यहाँ मगरिब से चालू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना भी है और पलट जो है तकरीर भी है। यहाँ के जितने जवार की मस्जिदें हैं सबके इमाम स्टेज पर रौनक स्टेज होंगे इंशाल्लाह और अच्छे से अच्छा जलसा पहला होगा इंशाल्लाह। और पहली तरावी इंशाल्लाह असर से स्टार्ट होगी चांद रात के दिन मस्जिद की हो जाएगी इंशाल्लाह। तकरीबन 10-12 दिन जो बाकी है, इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको पूरा लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, देखो चूना मार दी है और काम भी शुरू होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है वो सन वो क्या नाम है ग्रीन वैली सोसाइटी है। और ये जो बगल में देखिए ये दीवार दिख रहा है, दीवार के उस बगल में शादियाँ वगैरह होती है, आप लोग अगर आए होंगे तो उसको अच्छे से जानते भी होंगे। हम आपको यहाँ का पूरा लोकेशन जो है दिखा देते हैं। अल्लाह भी तकरीबन जो 10-12 दिन बाकी है, इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर ये काम जो है इतना तेजी में शुरू होना है कि पहली तरह भी इंशाल्लाह यहीं पे होगी मंडप। तो आप दोनों हजरात तशरीफ लाएँ, ये है जुमा के दिन और आप तमामी हजरात जो कुछ हो सके आप तमामी हजरात हिस्सा लें। अपने ये गेट नंबर 4 है, देख लीजिए ये गेट नंबर 4 है और ये जो सामने बिल्कुल से देख रहे हैं और ये है ग्रीन वैली के आगे जो सोसाइटी दिख रही है वो है ताजुश शरिया सोसाइटी 4, गेट नंबर के 4 ही है। जो समझो गार्डन, जो ग्रीन वैली का जो गार्डन है, गार्डन के सामने मदीना है, ये मदीना कॉम्प्लेक्स है का जो गार्डन है मदीना, और ये गार्डन के सामने जस्ट मदीना शुरू होना मदीना 2 है। और वो जो सामने दिख रहे हैं ये मदीना है मस्जिद और ये मदीना कॉम्प्लेक्स होना इंशाल्लाह। सामने तो ताजुश शरिया रेसिडेंसी है। थोड़ा जूम करके बारिश है कि आप तमामी हजरात जुमा के दिन तशरीफ लाएँ और आम दावत है और आम ये हजरात दावत भी खाएं और आप तमाम शरिया हो सके अपने मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब के लिए। और यहाँ पर मस्जिद का काम शुरू होना है। ये देखिए अब चंदा और चूने का बॉर्डर जो है मार दिया गया है, जो भी आप तमाम हजरात से जितना हो सके यही बताना था। और अभी मस्जिद का नाम जो है रखा नहीं गया है अभी, और जुमा के दिन मस्जिदों में ऐलान भी और चंदा भी कुछ कम हुआ, आप इकट्ठा होंगे इतना मिल सके परचेस का नाम जो है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह क्या नाम रखना है उसी हिसाब से फिर नाम का भी ऐलान हो जाएगा। और इंशाल्लाह भी तकरीबन 10-12 दिन बाकी है, इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर ये काम जो है इतना तेज़ी में शुरू होना है कि पहली तरह भी इंशाल्लाह यहीं पर होगी। तो आप तमामी हजरात तशरीफ़ लाएँ जुमा के दिन और आप तमामी हजरात जो कुछ हो सके आप तमामी हजरात इसमें हिस्सा लें अपने मरहूमीन के नाम वो इसाले सवाब के लिए। देख लीजिए ये है मदीना 2 और ये है ग्रीन वैली सोसाइटी गेट नंबर 4, गेट नंबर के 4 ही है।